हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास आया है टीवीएस कंपनी का स्पोर्ट्स बाइक। और इस बाइक में हो क्या रहा है, मैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है और ट्यूनिंग, जैसे कि जितना भी बढ़ा रहा है स्टार्ट गिर जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कल कॉल किया था कि साजिर भाई ऐसा हो रहा है, बट मेरे पास लाया तो मैंने कुछ चीज़ चेकअप किया जो बाइक में क्या फॉल्ट है, वो आप लोगों को शेयर करूँगा। तो वीडियो में आप लोग जुड़ा रहिए। एक्चुअली ऐसा रीज़न होता है तो क्या चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए जिसमें कि हम लोग का बाइक बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम दिखा देते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। बाइक अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट गिर गया है। थोड़ा आरपीएम टाइट करेंगे, गाड़ी धकड़ 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 कर रहा है। देखो देखो धकड़ धकड़ करते करते बंद हो गया है। तो चलिए आप लोगों को पहला स्टेप बताते हैं जो क्या आप लोग चेकअप करें, किस चीज़ का उपयोग करें। तो बाइक का चाबी इग्निशन बंद करते हैं। सबसे पहले हम उपयोग करेंगे, मुझे देखिए कीक जो है गाइस, कीक हम लोगों को बहुत ही ढीला लग रहा है। देखिए इसमें हम लोगों का झटका होना चाहिए, जैसे मारे और यहाँ से नहीं बैठना चाहिए। देखो पूरा बैठ जा रहा है। देखो अगर हाथ से भी हम लोग घुमाएँ ना तो ईजी हम लोगों का बैठ रहा है। तो इंजन में हुआ क्या है, जो कंप्रेसर एकदम मुझे लगता है कम है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों को, कंप्रेसर अगर कम लगे जिसमें कि कीक मारने से अगर हल्का लगे, तो सबसे पहले आप लोग रॉकर खोल के देखें जो रॉकर टाइट है या ढीला है। तो चलिए वही प्रोसेस यूज करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो रॉकर ढीला करने से हम लोगों का काम बनेगा या ढीला है या टाइट है। तो चलिए तो गाइस यहाँ देखिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को अगर मिलाए और दोनों नाट को हम लोग लेफ्ट राइट ठीक रखे तो टॉप में हो जाता है पिस्टन और कैमशाफ्ट भी। बट यहाँ से हम लोग रॉकर चेकअप कर रहा है तो दोनों रॉकर हम लोगों का ढीला है। ढीला रहने से बाहर से हम लोगों का कोई हाथ नहीं रहता है जिसमें कि कंप्रेसर आ जाए। मैं क्या, मेरा अगर बाप भी आ जाए तो भी कंप्रेसर नहीं ला सकते। हाँ, प्लग खोल के अगर इंजन ऑयल डालें तो कुछ देर के लिए कंप्रेसर सही आएगा, बट ये सही नहीं है। अगर फाइनली हम लोग को बाइक को सही करना है तो हम लोग को हेड ओपन करना पड़ेगा, तभी कंप्रेसर हम लोगों का सही बेहतर से बेहतर आएगा। तो चलिए हेड हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा। गाइस हेड का हालत देखो, हेड भीजा लग रहा है। चलिए हम ओपन करेंगे हेड को। ये ओपन करेंगे हम लोग रॉकर पहले। परफेक्ट है रॉकर। कैम सेट झकास है। देखिए गाइस एकदम बाल हम लोग का चिपक गया, नहीं आ रहा है। देखो कितना जोर से हम लोग ठेल रहे हैं, देखो नहीं जा रहा है पूरे बाबा। और इसको देखता हूँ, ये हम लोग का खेल रहा है, देखो ये खेल रहा है, बट गाइड थोड़ा ढीला है। और ये वाला जो बाल पे नहीं खेल रहा है, देखो बहुत ही जाम कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग ठोकना पड़ेगा। बस देखिए हालत क्या हुआ है, यहाँ जो लुब्रिकेंट है नहीं हो पा रहा था, इसका कारण हम लोगों का जो इंडेक्स वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व है वो ठीक से कवर नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, देखिए नहीं जा रहा। देखो जैसे कि इस तरह से टक टक कर रहा है, और इसको भेजेंगे नहीं जा रहा है, बहुत ही जाम कर रहा है, नहीं जा रहा। तो भाल बदलना पड़ेगा लगता है, ठीक है। तो भाल हम लोग बदलेंगे और इसका गाइड जो है वो भी बदलेंगे। तो फिलहाल हम लोगों को ले जाना पड़ेगा
जो हेड का काम कराने के लिए, तो जाइए ले जाइए और नया माल दीजिए जेनुइन, ज़्यादा कीमत नहीं है, जाइए। तो सो गाइस, अभी आप लोग दिख रहा है हेड लेथ से आ चुकी है और आप लोगों को दिखाता हूँ जो एक्चुअली हम लोग का थोड़ा सा चीज़ ख़राब के कारण हम लोगों का ऐसा रीजन हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम हम लोग का पानी जैसा लगेगा तभी हम लोग का वर्क करेगा। देखिए एकदम ढीला रहना चाहिए और जिसमें कि हम लोग का गाइड भी बेहतर से बेहतर काम करे, ये ढीला ना लगे। तो गाइड का काम किया और इसको देखिए। अब गाइस इसे हम लोग फिटिंग कैसे करें वो आप लोगों को बताता हूँ, जो क्या करना है, किस चीज़ का उपयोग करना है जिसमें कि फिटिंग हम लोगों का बेहतर से बेहतर हुआ। तो आज आप लोगों को हेड किस तरह से फिटिंग करें वो भी बताऊँगा, टाइमिंग किस तरह से फिटिंग करें वो भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो गाइस ये है पुराना बल्ब और यह है नया बल्ब, बल्ब सील का साथ बल्ब सील भी दिया जाता है और इसका कीमत है जेन्युइन 346 रुपये इसका कीमत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप लोगों को बल्ब सील को भिगो के रखना पड़ेगा जिसमें कि लुब्रिकेंट अच्छे से हो, ठीक है। वॉश करने के बाद हम लोग इसको सफाई करेंगे, एक भी कचरा इसके अंदर ना रहे तभी हम लोग उपयोग करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लगाना पड़ेगा ये वॉशर, उसके बाद बल्ब सील। गाइस बल्ब लगाते वक्त एक चीज़ का गौर कीजिए, इसमें हम लोग को ऑयल इसके अंदर सुराख के अंदर थोड़ा देना है जिसमें कि वो लुब्रिकेंट करेगा। तो चलिए सुराख के अंदर और इसके अंदर दे देता हूँ और ये हम लोग का लुब्रिकेंट करेगा, अच्छी तरह से खेलेगा। इंजन ऑयल इसी जगह पर नहीं आएगा, फिलहाल इस जगह पर इंजन ऑयल यहाँ से यहाँ तक हम लोग लुब्रिकेंट करेगा। इसके अंदर हम लोग का यहाँ आप लोगों को लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा देखने के लिए, लुब्रिकेंट सिर्फ इसी जगह देखने को मिलेगा। चलिए बल्ब फिटिंग करता हूँ। बल्ब फिटिंग करने के लिए आप लोगों को दो चीज़ का उपयोग करना पड़ेगा, पहले तो आप लोगों को दोनों बल्ब को लगा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये वाला ढक्कन इसी जगह पर हम लोग रख देंगे गाइस, ठीक है। तो लॉक इंस्टॉल करेंगे, लॉक हमने यहीं पर रख दिया है, ठीक है। इसको पकड़ के रखो एक हाथ से गाइस, इसी तरह से हम लोग पुश करेंगे। हाथ देखिए थोड़ा ठेलो इसको, थोड़ा इसको ड्राइवर से दबाओ, बस। तो आसानी से हम लोगों का यहाँ बैठ गया। हमारा पास पुलार भी है बट पुलार से मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसी से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो दूसरे को भी कोशिश करते हैं जिसमें कि एक ही जंप में हो जाए। रुको थोड़ा बैलेंस लेने दीजिए, हाँ इसको भरिए मार्तुल से पेचकस से, बस। तो गाइस आसानी से आप लोगों ने देखा, इसी तरह से लगाने से भी हम लोगों का काम बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैम सेप डालेंगे, कैम सेप सही है बराबर, ये वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे बस बस। अंदर हम लोग पैकिंग लगा देंगे, अगर बूस खोलने का कोशिश करता तो बूस शायद ख़राब हो जाता, यहाँ से ही पैकिंग को फिट कर देंगे गाइस। अब हेड को बैठाओ, चलो आहिस्ते आहिस्ते करके बैठाओ, बस दो स्टैक उधर भरो, इसी हिसाब से रखेंगे, ठीक है। और हाँ एक चीज़ गौर कीजिए, जो इस मार्किंग को आप लोग सीधा सीधी मत रखिए वरना आपका टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगा। इस नाट को लेफ्ट राइट रखिए और इस पॉइंट को ऊपर रखिए, तभी टाइमिंग आप लोगों को इस बाइक का फिलहाल मिलेगा। थोड़ा कैम सेफ को हम लोग इसी पोजीशन में रखेंगे, एकदम बराबर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नाट हम लोग यहाँ टाइट करेंगे, बस इंजन जिसमें कि टाइट हो जाए। तो हमने छोड़ दिया टाइम, इंजन टाइट हो गया। अब हम लोगों को बारी है रॉकर, अब रॉकर कैसे एडजस्ट करें। तो गाइस जब भी आप लोग नया बल्ब यूज करिए, इंजन करिए, आप लोगों को 0.8 mm रखना पड़ेगा।
तो गाइस थोड़ा हम लोग का ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी रॉकर हम लोग का एडजस्ट होगा। चलो इसको भी सेम प्रोसेस करते हैं। तो दोनों रॉकर हम लोग का 0.8 mm करके और ऊपर नीचे ढीला हो रहा है। तो टाइमिंग भी आप लोगों को दिखा दिया, जो दोनों नाट को आप लोगों को इस नाट के साथ मिलाना है, इस नाट के साथ मिलाना है, और ऊपर जो पॉइंट है इसको इसका साथ मिलाना है, पिस्टन को टॉप में करना है, और दोनों रॉकर जिसमें कि ढीला होना चाहिए तभी हम लोगों का वर्क करेगा। तो चलिए फिलहाल सब कुछ रेडी हो गया है, अब आप लोगों को जैसे कि स्टार्ट मार के बाइक को दिखाता हूँ जो बाइक हम लोगों का कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए सब कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंजन मैंने फिटिंग कर लिया, अब बाइक का स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम लोग जैसे कि ट्यूनिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ भी अभी तक नहीं किया है, आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक का स्टार्ट ठीक से हो रहा है कि ना, स्टार्ट गिर रहा है कि नहीं। तो गाइस अभी स्टार्ट नहीं गिरा है देखो, और ट्यूनिंग भी बहुत ही कम है। तो चलिए अब बाइक को हम लोग फाइनल ट्यूनिंग एडजस्ट करेंगे। तो अगर बाइक का माइलेज सही करे, ट्यूनिंग सही करे, तो किस चीज़ का उपयोग करे जिसमें कि हम लोग का माइलेज भी सही मिले और बाइक सुबह स्टार्टिंग भी प्रॉब्लम ना करे और जिसमें बाइक का ताकत मिले। तो चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को RPM को थोड़ा हाई करना पड़ेगा, बस इसी तरह से रख दिया। अब दूसरा स्टेप है इस यार स्क्रू का नाट को हम लोग जिसमें कि ढीला या टाइट करेंगे, सबसे बेहतर RPM जिस जगह पर आएगा उसी जगह पर रख देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइट करेंगे गाइस, RPM ख़राब हो रहा है, लो हो रहा है, तो ढीला करेंगे। हाई हो रहा है, डिले कर रहा हूँ अभी, फिर भी ख़राब हो रहा है, जिसमें थोड़ा टाइट करेंगे। बस थोड़ा टाइट करेंगे, बढ़ रहा है, कम रहा है, ढीला करेंगे। बस इसी जगह सबसे बेहतर से बेहतर RPM आया है। अब हम लोग RPM का नाट को थोड़ा लूज कर देंगे, जिसमें कि 1100-1100 के आसपास में इंजन RPM रख देंगे, और जिसमें कि बाइक स्टार्ट ना गिरे। थोड़ा स्टार्ट गिर गया, बस अभी सही है। इसको ऊपर करो, ऊपर करो, एकदम परफेक्ट आ चुकी है, एकदम बाइक स्टार्ट भी है और माइलेज भी सही हो गया है, और बाइक स्टार्ट भी नहीं गिर रहा है, और एक ही किक में बाइक स्टार्ट हो जाएगा गाइस, एक ही किक में। देखिए बंद कर। तो गाइस आप लोगों ने देखा इस बाइक में ट्यूनिंग नहीं आ रहा था, स्टार्ट बार बार गिर रहा था। तो मैंने इधर उधर नहीं देखा, सबसे पहला जो काम था हम लोगों का मैंने महसूस किया जो क्या हो रहा है। तो मैंने देखा किक बहुत ही हम लोग का फ्री था, किक अगर हम लोग का फ्री रहता है तो कंप्रेसर गायब हो जाता है, कम हो जाता है। कंप्रेसर अगर कम हो जाता है तो हम लोग का इंजन में ट्यूनिंग ठीक से नहीं आएगा, माइलेज ख़राब आएगा, बाइक का झटका देगा, बहुत कुछ होगा। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को करके दिखाया, सिर्फ यही बाइक नहीं, जितना भी हम लोगों का बाइक है, सभी कंपनियों का बाइक लगभग इंजन जो फोर स्ट्रोक होता है इसी तरह होता है। जो कंप्रेसर हम लोगों का सिस्टम जो होता है भाल भी ज़्यादा से ज़्यादा देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आज तक फोर स्ट्रोक इंजन में नहीं देखा जो पिस्टन रिंग का कारण ऐसा हुआ है। मैंने सिर्फ एक या दो बाइक में शायद देखा है जो पिस्टन रिंग ज़्यादा ख़राब हुआ है। क्यों? इसका जो पिस्टन रिंग होता है, वाइल रिंग, कंप्रेसर रिंग, ये सब हम लोग का जैसे कि लुब्रिकेंट होता है। तो फोर स्ट्रोक इंजन में फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रेसर ख़राब होता है हेड का कारण। तो अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, हेड कंप्रेसर प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले आप लोग हेड को खोल के देखिए वाल्व हम लोग का फ्री जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और कुछ का उसके अंदर कचरा है या क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होता है नया वाल्व लगाने में ही। तो फिलहाल मैंने नया वाल्व लगाया और ग्राइंडिंग किया और गाइड फाइड लगाया, बिल्कुल बाइक सही से बन गया। तो गाइस यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोग कुछ अलग सीखे। तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन मैकेनिक भाई को जिसमें कि पता चले, जो सजीर बाइक गुरु चैनल पर भी बाइक रिलेटेड वीडियो मिलता है। तो गाइस यहीं से वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।